सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर अर्थ है, अर्थ का सरफेस यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पे एक मास है जिसको मैं स्मॉल एम ले लेता हूँ, और इससे अर्थ के आर रेडियस से ऊपर, आर रेडियस ऊपर चला जाऊं, यहाँ से यहाँ पर भी एक मास स्मॉल एम है। तो अब हम लोगों को निकालना है इन दोनों मास का सेंटर ऑफ मास। मैं ओरिजिन ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ओरिजिन 0.0.0 कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस मास, ये जो दो मास हैं, इन दोनों मास का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, सी एम और सी जी निकालना है। क्या सी एम और सी जी सेम होते हैं? देखो, सी एम और सी जी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है जब ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होता है। हमने बहुत ज़्यादा ऊपर रख दिया तो ये जो है अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में है और एक अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में है। दोनों की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ की है, पर उसकी वैल्यू अलग अलग है ना, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन सेम है। ग्रेविटी वेरी कर जाने से, ठीक है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करता है। उसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकाल लें, सी एम निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों का निकालना बहुत आसान है, आर बाई टू पर आता है, ठीक है ना भाई। अगर दोनों मासेज इक्वल हैं तो सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आता है, आर बाई टू पर आ जाएगा क्या, सी एम, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है। तो फिर एक बार करके देख सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, वाई सी एम क्या, कैसे लिखते हैं वाई सी एम, ठीक है। यहाँ ओरिजिन ले लिए तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो चला गया, क्या फार्मूला है एम वन वाई वन, और डिटेल में समझाऊं, वाई वन एम वन प्लस एम टू वाई टू और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस एम वन प्लस, इसका y कोऑर्डिनेट जीरो चला गया, उसका y कोऑर्डिनेट r हो गया एम आर, और डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मासेस 2m इक्वल टू r बाई टू, वैसे भी हमें पता है r बाई टू। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है उनको मिड पॉइंट पे, क्या cg भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी मिड पॉइंट पे ही आएगी? नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिड पॉइंट पे नहीं आएगी। जिस तरह से मास ज्यादा होता है, जिधर मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उधर ही उसी रीजन में आता है, उसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, जहां हायर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगी। तो इधर ये जो ये यहाँ पे जो अर्थ के पास है तो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है स्ट्रांग है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग है, तो ये बात तो हमें क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो इधर ही आएगा, मिड पॉइंट से नीचे आएगा। अब उसको हम करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर सीजी निकालने का फार्मूला क्या है? ये एम वन वाई वन था, ठीक है, जी वन वाई वन प्लस जी टू वाई टू एंड डिवाइडेड बाई जी वन प्लस जी टू। तो ये हमारा फार्मूला है, को मैं उसमें करवाया हूँ, ठीक है, थ्री में आप देखना, इसको मैं लिखवाया हूँ, करवाया हूँ, समझाया भी हूँ। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले का ग्रेविटेशनल फील्ड ये अर्थ के सरफेस पे, इसका जीवन में जी, इसका जो जीवन है वो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ये जीरो की, इसका मुझे जी नहीं पता है, ये है जी टू, तो जी टू मुझे निकालना पड़ेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी ग्रेविटी कितनी है, तो जी टू है, उसकी वैल्यू आर रेडियस पे, आर डिस्टेंस पे, जब अर्थ के जब बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं हम, तो हमें फार्मूला पता है आर इज इक्वल टू आर प्लस एच बाई टू का भैया स्क्वायर चला जाता है, याद है ना। इसका मतलब ये हुआ हाइट कितनी है, आर और आर प्लस आर, एक और एक आर को जोड़ोगे तो दो आर होंगे, और स्क्वायर मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है, तो ये आर और आ जाएगा 4r का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई जी, ठीक है, ये आर ने आर को खत्म कर दिया, मतलब जी बाई फोर, कुल मिला के जी बाई फोर जैती जी टू। इस यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो ग्राउंड का जी बाई फोर है, और यहाँ पर ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे वो जी है, ठीक है। अब मैं सी जी निकाल लूंगा, तो सी जी का फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसी में ले जाके वैल्यू पुट कर दो, तो इसी में वैल्यू पुट कर दो, तो पहला वाली जो बॉडी थी, देखो पहला वाला जो बॉडी है वो अर्थ के सरफेस पे है, और यहीं पे मेरा ओरिजिन है, तो यहीं से मेजरमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहला या जीरो, दूसरे की जी बाई फोर है और वाई कोऑर्डिनेट आर, ये जी और जी प्लस जी बाई फोर का सम दिख रहा है आपको, जी प्लस जी बाई फोर का सम आर बाई फाइव, ठीक है, सी जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आर बाई फाइव पे लाई करेगा, मतलब अगर इसके आर बाई फाइव, अगर इसके फाइव पीसेज हो के, तो यहाँ से आर बाई फाइव पे, ठीक है, फाइव इक्वल मैं पीसेस करूँ इसके, तो इस डिस्टेंस के, तो इधर ही कहीं आएगा यार, ये दैट इज द सी जी, ठीक है। तो देखो
यहाँ सी जी आएगा और यहाँ सी एम आएगा। तो क्यों यहाँ क्यों आ रहा है, बिकॉज इसके ग्रेविटी जो होती है वो इधर हाइयर डेंस है, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आती है, और यही कॉन्सेप्ट होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। इसलिए हमेशा हमेशा याद रखना कि जैसे जो बड़ी बिल्डिंग होती है, पहाड़ होते हैं, उसमें सेंटर ऑफ थ्योरी में मैं बताया हूँ आपको कि जो सी जी होती है, जो सी जी होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा नीचे आती है, और जो सी एम आएगा वो थोड़ा सा ऊपर आएगा पहाड़ और बिल्डिंग के केस में, ठीक है ना। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी पहाड़ है, ठीक है। लेकिन अगर इमेजिंग करो कि ग्रेविटी सेम हो जाए, जी को दोनों पॉइंट पे अगर जी को इक्वल कर दोगे, ये भी जी और ये भी जी, दोनों जी बराबर हो, और जी दोनों बराबर हो गए, तो देखो आर बाई टू आ जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड हो जाएगा, दोनों जी बराबर कर दो, तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होती है।